Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई पर. और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वाईफाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी. पाँच मिनट की देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी क्लास चल रही थी एक, जिसका अनादि सर की एक क्लास चल रही थी, उसकी वजह से ना थोड़ा सा 5 मिनट की देरी हो गई. तो आज है आपका DMRC का अगला लाइव टेस्ट. उसी क्वेश्चन पेपर के फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे कितने क्वेश्चंस? 40 क्वेश्चंस. आज हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस. कल के आप सभी लोगों के मार्क्स कितने आए थे, वो अपने कैलकुलेट करके रखिएगा, और आज उसमें जो है और ऐड कर दीजिएगा जो भी इस 35 में से आपके सही हुए हों. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार. कल के आपका जितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 40, जितने भी मार्क्स आपके आए थे, जितने भी क्वेश्चंस सही हुए थे, आप सभी लोग उसको काउंट करके अपने पास रखिए. और आज 35 सवालों में से आपके बचे हुए 35 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस आज आपके सही हो जाते हैं, उसको उसमें ऐड करके फाइनल आप अपना देख सकते हैं कि DMRC का पेपर आपका कैसा रहा ऑफ टेक्निकल पोर्शन. आपको अगर टेक्निकल पोर्शन में अपने मार्क्स, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपके अगर टेक्निकल सेक्शन में, जैसा कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बन रहा है, जैसा आपको सामने दिख रहा है, आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस में से अगर आपके 65 बिलो हैं, 65 मार्क्स से बिलो हैं, 65 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 65 मार्क्स से बिलो हैं, दैट मींस यू आर आउट ऑफ द रेस. मैं सीधी और सच्चाई बात करता हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा. अगर आपके 65 से नीचे हैं, आप रेस से बाहर हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना कॉम्पिटिशन है. DMRC में सिर्फ 26 वैकेंसी हैं जो परमानेंट हैं, और उसके अलावा 120 वैकेंसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं. इलेक्ट्रिकल की सिर्फ 26 वैकेंसीज हैं अप्रॉक्सीमेट जो परमानेंट हैं, जो रेगुलर हैं, और उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग जो 120 वैकेंसीज निकली हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. आपको पता होगा डे बाय डे कंपटीशन कितना है. इस साल उन्होंने बीटेक को अलाउड नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि अगर 26 वैकेंसीज के लिए अगर आप देखें, तो आप अगर 65 से भी बिलो, अगर इस ईजी क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जो इतना आसान क्वेश्चन पेपर है, इस ईजी क्वेश्चन पेपर में अगर आप इतने से बिलो लेके आओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा. ठीक है, तो वेरी गुड, नेगेटिव आपके कम होने चाहिए. ठीक, बस प्रिपरेशन आपकी जानदार हो, शानदार हो, इस तरीके से हो. चलिए, प्रिपरेशन आपकी जानदार हो, शानदार हो, इस तरीके से हो कि फोड़ के आओ. बिल्कुल ठीक, फोड़ के आओ. DMRC JEE का पेपर का एनालिसिस भी होगा, और एक और बात, कल का गेट पेपर का एनालिसिस भी होगा. कल हम लोग
कल गेट पेपर है आप सभी लोगों का, हो सकता है कि कल गेट पेपर का एनालिसिस हो, नहीं तो आपका मंडे को गेट का पेपर का एनालिसिस तो होगा ही होगा, ओके पॉसिबिलिटी है कि कल ही हो जाए, ओके चलिए तो हाँ जी, हर जगह कंपटीशन है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हमें सिलेक्शन लेना है, ओके ना। चलो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। द कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन इज वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एमीटर एंड वॉट आर मीटर। बताइए क्या आंसर है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है तो आपको पता है कि एनर्जी रिकॉर्ड करने के लिए हम वॉट आर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, वॉट मीटर आपका पावर मेजर करेगा, एमीटर आपका करंट मेजर करेगा और ये आपका एनर्जी मेजर करेगा विच इज इन किलोवाट आर, विच इज इन किलोवाट आर। क्लियर है सबको? सो आंसर वुड बी डी, वॉट आर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, देखो इस समय मेजरमेंट में आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मेजरमेंट, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर कंसिस्ट ऑफ वन करंट कॉयल एंड टू प्रेशर कॉयल, टू करंट कॉयल्स एंड वन प्रेशर कॉयल, वन करंट कॉयल एंड वन प्रेशर कॉयल एंड ओनली वन करंट कॉयल। हाँ आईटीआई स्टूडेंट है तो आईटीआई स्टूडेंट भी दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा टू करंट कॉयल्स एंड वन प्रेशर कॉयल, तो आंसर हो जाएगा बी, दो करंट कॉयल होती है और एक प्रेशर कॉयल होती है। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, अच्छा वॉट मीटर की बात कर रहा है, वॉट मीटर में एक करंट कॉयल होती है और एक प्रेशर कॉयल होती है, जस्ट वेट अ मिनट। सो यहां पर वॉट मीटर की बात कर रहा है, इसमें एक करंट कॉयल होगी और एक प्रेशर कॉयल होगी। सी आंसर इज राइट, सी आंसर इज राइट, ओके। अगर वोल्ट मीटर की बात करता या फिर अमीटर की बात करता तो उस केस में आपका यहां पर आंसर क्या हो जाता, आपका दो करंट कॉयल होती है और एक प्रेशर कॉयल होती है। अगर आपसे देखो, इन्होंने आंसर दिया था टू करंट कॉइल्स एंड वन प्रेशर कॉइल। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर कंसिस्ट ऑफ टू करंट कॉइल्स एंड वन प्रेशर कॉइल। सही है, नहीं नहीं सी नहीं है, सी नहीं है, इसका आंसर बी ही है, टू करंट कॉइल्स एंड वन प्रेशर कॉइल। देखो दो करंट कॉइल को, नहीं नहीं सी नहीं है, बी ही है, सुनिएगा, दो करंट कॉइल को एज अ वन करंट कॉइल कंसीडर किया जाता है, बट इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर में होता क्या है, दो करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है। ये दो करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल वन और फिक्स्ड कॉइल टू के नाम से जानी जाती है, फिक्स्ड कॉइल वन और फिक्स्ड कॉइल टू के नाम से जानी जाती है। सुन लीजिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिक्स्ड कॉइल वन और फिक्स्ड कॉइल टू के नाम से जानी जाती है, जब आपका लोड लो होता है, जब आपका लोड कम होता है तो उस कंडीशन पे ये दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और एज अ सिंगल करंट कॉइल कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर होना क्या चाहिए, दो करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके, नॉट सी, नॉट सी, सी इज नॉट द राइट आंसर, सी इज नॉट द राइट आंसर, ओके। चलिए ओपीवाई, आप पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज, प्योर इंडक्टिव सर्किट के द्वारा एवरेज पावर क्या कंज्यूम किया जाएगा, जीरो कंज्यूम किया जाएगा, एवरेज पावर इज जीरो, सो आंसर वुड बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यहां पर आपको इस सर्किट को डेल्टा में चेंज करना है, स्टार सर्किट को डेल्टा में चेंज करना है, आंसर करें,
दिल्ली पुलिस का बैच ऑलरेडी चल, दिल्ली पुलिस का बैच पता नहीं यार चल रहा है या नहीं, लेकिन आप रिमेनिंग क्लासेस से पढ़ सकते हैं ना, क्यों बार बार कमेंट कर रहे हो? मैं थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा, मैं थोड़ी शुरू कर दूंगा दिल्ली पुलिस का बैच। जब दिनेश सर आया करें उनसे आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है? यहाँ पर दिल्ली पुलिस करने से कुछ नहीं होगा, हम दिल्ली पुलिस में नहीं आते हैं। चलो आंसर करो। देखो भाई, जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैंने किस तरीके से आपको यहाँ पर समझाया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका डेल्टा का रेजिस्टेंस हो गया वन रेजिस्टेंस, सेकेंड फेज का रेजिस्टेंस डेल्टा का ये हो गया, और थर्ड फेज का रेजिस्टेंस ये हो गया। तो ये मान लो कि यहाँ पर RAC है। अब इन्होंने टर्मिनल तो दिए नहीं, इन्होंने टर्मिनल तो दिए नहीं है फिगर में। अभी हम AC किसको माने? वेट अ मिनट, देखता हूँ फिगर में टर्मिनल दिए गए हैं या नहीं दिए गए। क्वेश्चन नंबर नहीं दिए गए, टर्मिनल नहीं दिए गए हैं, और फिर क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर, अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 11, 12, 6, 6, 6, 7.3, 11, 12, 8, 22, 11, 12, 8, 22, ये सारे अलग अलग हैं, ये सारे अलग अलग हैं। इसका मतलब BC रेजिस्टेंस जो है वो आपको बता देगा कि ये आपका हो गया A, ये मान लो हो गया B, और ये हो गया C। तो कोई एक रेजिस्टेंस जो BC रेजिस्टेंस होगा ना, वो आपको बता देगा कि क्या सही है। तो अगर आप RBC कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होगा कि RBC किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। RBC कैलकुलेट किया जाता है R, इसके ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, यानी कि 4 ओम, ये हो जाएगा 4 + 6 + 4 × 6 डिवाइडेड बाई जो सामने नहीं है 2। तो यहाँ से इसको काट दो, 6 × 4 = 10 और 2 × 6 = 10 और + 6 = 12, तो ये हो जाएगा 22 ओम। तो आंसर डी आ जाएगा, आंसर जो है वो डी आ जाएगा, आंसर वुड बी डी। ओके, डी आंसर इज राइट, डी आंसर इज राइट। मिस्टर ऑरेंज यादव, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स, वाईफाई स्टडी ऐप एक एप्लीकेशन है, जैसे कि यूट्यूब आपके में पड़ा होगा, जैसे कि टिकटॉक पड़ा होगा, जैसे कि व्हाट्सएप पड़ा होगा, जैसे कि पबजी पड़ा होगा, उसी प्रकार से एक वाईफाई स्टडी नाम का ऐप होता है। उस वाईफाई स्टडी ऐप पर जाइए और सारी PDF डाउनलोड कर लीजिए जितनी अभी तक क्लास हो चुकी हैं। डी आंसर होगा भैया इसका, डी 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 ही दिया गया है, RAC नहीं होगा। देखो अगर आप यहाँ पर AC देखोगे ना, AC तो AC हो जाएगा 2 + 6। अगर आप RAC कैलकुलेट करेंगे, तो RAC हो जाएगा 2 + 6 + 12/4, तो ये आंसर आ जाएगा 6, 2, 8, 3, 11। तो देखो आपका RAC 11 आ रहा है, देख रहे हो आप, RAC 11 आ रहा है, और सिमिलरली जब ये दोनों आ गए तो RAB अपने आप आ ही जाएगा, तो आंसर वुड बी डी। ठीक, चलिए डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन को ना ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ABC टर्मिनल को नहीं दिया, फिर भी दिमाग लगाकर किया जाए तो किया जा सकता है, दिमाग लगाकर देखा जाए तो किया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या काम होता है? वामशी कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड इन RBJEE। इंसुलेशन एंड कूलिंग का काम होता है ट्रांसफार्मर में, ऑयल का काम इंसुलेशन कूलिंग प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट, द ब्रिज वाइडली यूज्ड फॉर कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर मेजरमेंट इज, सो जिस ब्रिज का इस्तेमाल कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर को मेजर करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा ब्रिज है? तो यहाँ पर वीन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर व्हाट? इंडक्टेंस। हैवी साइड कैंपबेल ब्रिज, ये है कैंपबेल ब्रिज जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करता है, ये इंडक्टेंस मेजर करता है, या क्यू फैक्टर मेजर करता है, वीन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, ये आपका कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर मेजर करता है। सो आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा
सिक्स्थ का आंसर ए, क्लियर? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ जनरेटर हैज एन ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ 18 वोल्ट, इट्स टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स टू 15 वोल्ट विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, कैलकुलेट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेटली इसको आप कंसीडर कर सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन की तरह. ये टर्मिनल वोल्टेज वो बोल रहा है कि 15 वोल्ट है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज घट के 15 वोल्ट हो जाता है, लेकिन इसका जनरेटर का ओपन सर्किट ईएमएफ मतलब जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो 18 वोल्ट का है, और इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसमें ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से ये 15 वोल्ट आपको मिल रहा है. कुल मिलाकर आपका जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, वो 30 ओम का है. ये जो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम का रेजिस्टेंस है. देखिए लिखा हुआ है 15 वोल्ट विथ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ R. आपको पता चल गया होगा कि I बराबर V बाई R अगर आप करोगे तो इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है. तो 0.5 एम्पियर का जब आपको करंट आ रहा है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 15 इज 3 और डिवाइडेड बाई 30 प्लस R. सो यू कैन इजिली फाइंड आउट, फट करो फटाफट. यहाँ वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ, लोड रेजिस्टेंस इज 30 ओम, उसके अक्रॉस ड्रॉप आपको 15 वोल्ट दिया है, I इज इक्वल्स टू V बाई R, इसका मतलब लोड में करंट जो है वो आ जा रहा है 15 डिवाइडेड बाई 30, 1/2, 0.5 एम्पियर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस. सो 18 माइनस 0.5 R माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 0, अच्छा मैंने कुछ 3 बराबर 0.5 R, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 ओम, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 ओम, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया था, 6 ओम इज द राइट आंसर, 6 ओम इज द राइट आंसर, वेरी गुड. सिक्स ओम इसका सही जवाब होगा. ओके, इजी सा क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड यूजिंग, फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर किया जा सकता है, अभी अभी बताया वीन्स ब्रिज से मेजर किया जा सकता है. फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड यूजिंग वीन्स ब्रिज, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वीन्स ब्रिज. क्वेश्चन नंबर 9, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 500 वॉट एंड 1500 वॉट रिस्पेक्टिवली. फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस किसी ट्रांसफार्मर के 500 वाट और 1500 वाट दिए गए हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस हाफ लोड पर कितने हो जाएंगे, तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितने हो जाएंगे. देखिए सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया, फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, तो फुल लोड कॉपर लॉस आपको कितना दिया गया है, 500. फुल लोड कॉपर लॉस जो आपको दिया गया है वो आपको दिए गए हैं 500 वाट, और फुल लोड आयरन लॉस कितने दिए गए हैं, आयरन लॉस आपको दिए गए हैं 1500 वाट. सो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोड चेंज करोगे तो आयरन लॉसेस कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये और ये तो गया, 1500 वाट यहां पर यही सही ऑप्शन हो जाएगा. नो नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस, क्योंकि उसने देखो कॉपर लॉस और आयरन लॉस ही पूछा है, तो आयरन लॉस हाफ लोड पर 1500 ही रहेगा, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ ये वाला देख के आप आंसर बता सकते थे, 1500 वाट वुड बी द रिमेन सेम, सो आंसर वुड बी बी. इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेरी गुड. जितने लोगों ने बी बता दिया एक बार में वो ही सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है. अब देखो यहां पर डी ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू द एलएमआरसी क्वेश्चन पेपर, एलएमआरसी क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछा कि करंट को कलेक्ट करने का काम आर्मेचर कॉइल्स से, आर्मेचर कॉइल से करंट को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, तो वहां पर उन्होंने आंसर दे दिया था कम्यूटेटर का. अकॉर्डिंग टू द लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एग्जामिनेशन, कम्यूटेटर का काम जो होता है वो कलेक्टिंग करंट फ्रॉम द आर्मेचर. अभी अभी क्वेश्चन, अभी अभी पेपर हुआ था, उन्होंने कम्यूटेटर का काम बोला था करंट को कलेक्ट करना आर्मेचर कॉइल से, जबकि ब्रश का काम होता है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर कम्यूटेटर का काम डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना हो गया एसी टू डीसी.
एसी टू डीसी। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। वेरी गुड, सिंक्रोनस मोटर्स आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर स्पीड्स बिलो। सिंक्रोनस मोटर्स आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर स्पीड्स बिलो, कितने स्पीड से नीचे के लिए अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव का मतलब यहां पर क्या होगा, कुछ एकाध दो सवाल इस प्रकार के होते हैं, कुछ एकाध दो सवाल इस प्रकार के होते हैं जो आपको आउट ऑफ द कवरेज एरिया होते हैं। पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स 300 RPM इन्होंने आंसर दिया है। अट्रैक्टिव फॉर स्पीड्स, आंसर 300 RPM दिया गया है, आंसर 300 RPM दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट कॉजेस, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सीरीज रेजोनेंस में आपको मिनिमम करंट मिलता है या मैक्सिमम करंट मिलता है, और इंपेडेंस मिनिमम होता है क्या मैक्सिमम होता है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि सीरीज रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि करंट जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा एट मिनिमम इंपेडेंस, ये सब कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल में करवा चुका हूं। बी आंसर इज राइट, मैक्सिमम आपको यहां पर करंट मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है और मिनिमम इंपेडेंस पर मैक्सिमम करंट मिलता है, मैक्सिमम करंट एट मिनिमम मिनिमम इंपेडेंस, मैक्सिमम करंट एट मिनिमम मिनिमम इंपेडेंस। देखो गलत नहीं है यहां पर, मेरे हिसाब से जो 300 RPM दिया गया है इस सवाल का जवाब, ये इस हिसाब से दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर जो डिजाइन की जाती हैं वो सेलियंट पोल डिजाइन की जाती हैं, सेलियंट पोल की सिंक्रोनस मशीन डिजाइन की जाती हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर में बैठा होता तो मैं भी 300 RPM ही टिक करता, सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन डिजाइन की जाती हैं, ज्यादातर दो सिंक्रोनस मोटर डिजाइन की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। सेलियंट पोल का एक खासियत होती है कि इसकी जो पोल रेंज होती है वो 12 पोल से 20 पोल के आसपास होते हैं, इसमें पोलों की संख्या जो होती है वो 12 पोल से 20 पोल के लगभग लगभग होते हैं। तो अगर हम यहां पर स्पीड कैलकुलेट करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाय पोल्स, तो अगर आप 12 पोल्स रखते हैं तो आपको 500 RPM की स्पीड दिखाई पड़ेगी। अगर आप 12 पोल्स रखते हैं तो 12 से ये कट जाएगा 10 बार और आपको 500 RPM के लगभग लगभग स्पीड दिखाई पड़ेगी। तो इसकी रेंज ऑफ जो स्पीड होती है ना वो वेरी करती है, यहाँ पर अगर आप 12 पोल रखोगे तो आपको 500 RPM के आसपास जो है वो स्पीड दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर दैट इज वाई आंसर वुड बी 300 RPM, इसीलिए आंसर जो है वो इसका आंसर 300 RPM होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर इन द पावर सिस्टम इज टू। द बेसिक फंक्शन, सर्किट ब्रेकर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, द बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर इन द पावर सिस्टम इज टू। सर्किट को ब्रेक करना और मेक करना, सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना, और जब फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो सर्किट को मेकिंग भी प्रोवाइड करना। सो आंसर वुड बी मेक और ब्रेक सर्किट। अभी अगर आप सिर्फ ब्रेक लगा दोगे तो ये जवाब गलत हो जाएगा, सिर्फ मेक लगा दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, कंट्रोल तो करता नहीं है, मेक और ब्रेक सर्किट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, अपने अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करना। रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय अ थ्री फेज सिस्टम इज गिवन बाय क्यू बराबर √3 VLIL साइन फाई। सोच समझ के, कई बार कंफ्यूजन में गड़बड़ी कर देते हैं हम लोग, यहां पर कई बार अभी कई स्टूडेंट बी लगाकर चले आए होते, ध्यान से नहीं सोचते तो √3 VLIL होता है ना कि VPH IPH होता है, तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का काम क्या होता है, मैंने आपको जब मैं क्लास ले रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन की,
फ्रैक्शनल किलोवाट मशीन मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है, फ्रैक्शनल किलोवाट मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर अगर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में पूछा जाए तो इसका काम होता है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। और अगर कैपेसिटर रन मोटर की बात करता तो कैपेसिटर रन मोटर में वही काम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए भी होता है। सो पहले आपको जो प्रेफरेबल होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करना ऑप्शन में नहीं है, तब आप डी के साथ जाएंगे। अगर आपको सी ऑप्शन नहीं दिया गया है तब आप डी के साथ जाएंगे, लेकिन अगर सी भी है और डी भी है, दोनों है, तब आप सी के साथ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना पड़ता है हर एक सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्टिंग करंट ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिड्यूस्ड टू सेफ वैल्यू बाय इंक्लूडिंग। हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करना है, क्या इंक्लूड किया जाए? रजिस्टर स्टेटर सर्किट में एट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, कैपेसिटर स्टेटर सर्किट में स्टार्टिंग के इंस्टेंट में, कैपेसिटर रोटर सर्किट में स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में, या फिर इंडक्टर रोटर सर्किट में स्टार्टिंग में। बताइए बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। विनोद साहू, बोथ कहां से हो जाएगा? जब बोथ दिया नहीं गया तो कहां से हो जाएगा? स्टार्टिंग करंट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रिड्यूस किया जा सकता है, एक ही माध्यम है, वो है रजिस्टर को इंसर्ट किया जाए। तो रजिस्टर अगर हम इंसर्ट करेंगे, आपको पता चल गया होगा किसकी बात की जा रही है, ये बात की जा रही है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। स्क्वायरल केज में रजिस्टेंस इंसर्ट कर नहीं सकते, स्क्वायरल केज में रजिस्टेंस इंसर्ट कर नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रजिस्टर इन स्टेटर सर्किट एट एन इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, ए आंसर इज राइट। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं अभी भी। अरे भाई, कैपेसिटर कभी देखा है क्या? थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में आप रजिस्टर इंसर्ट करते हैं, कहां है दिमाग? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। अ फोर पोल इंडक्शन मोटर है सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, सप्लाई फ्रीक्वेंसी शुड बी। चार पोल की मशीन है तो वैसे ही पता चल गया, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, 50 हर्ट्ज। चार पोल के लिए आपको 1500 आरपीएम ही मिलता है, चार पोल के लिए आपको 1500 मिलता है, दो पोल के लिए 3000 मिलता है, और फ्रीक्वेंसी होती है 50। तो तुरंत विद इन अ सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर इट इज फाउंड इन अ ट्रांसफॉर्मर डैश इज फाउंड बाई द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या फाउंड करते हो आप? तो कॉपर लॉसेज। विद इन अ सेकेंड आप आंसर तुरंत। ऐसे सवालों को बस देखो, एक बार पढ़ा और टिक करके आगे बढ़े। विद इन अ सेकेंड आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि आपको अपना टाइम जो है वो बचाना है। इन सर्किट ब्रेकर्स द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग SF6 गैस एट रिलेटिवली। बताइए, यहां पर इस सवाल को मैंने थ्योरी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ना, उस थ्योरी में ये चीज लिखी हुई थी। बताइए, स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग करंट को कैसे मैनेज करते हैं? मिस्टर ऋतुराज पात्रा, स्टार्टर्स का इस्तेमाल करके। ऋतुराज पात्रा, स्टार्टर्स का इस्तेमाल करके मैनेज करते हैं। SF6 गैस को जो है प्रोवाइड किया जाता है लो प्रेशर पर और लो वेलोसिटी पर। एक बार आप क्लास जब घूम के आओगे ना, पावर सिस्टम की क्लास SF6 सर्किट ब्रेकर पर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो ये याद कर लो, लो प्रेशर और लो वेलोसिटी पर हमें वहां पर सप्लाई करते हैं। करंट चॉपिंग टेंडेंसी को मिनिमाइज कर सकते हैं लो प्रेशर पर SF6 गैस को सप्लाई करके। ठीक है, आ गया समझ में? लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी वुड बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर इन द अबव फिगर। लो प्रेशर लो वेलोसिटी होगा, हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी नहीं होगा। वेट अ मिनट। लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी इज राइट, लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी इज राइट। ओके, आयोग ने भी, मतलब DMRC ने भी यही आंसर दिया है। Find the current flowing through the 6 ohm resistor in the above figure.
6 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है। अरे भाई साहब बारह आसानी से कर सकते हैं, बताओ बताओ फटाफट। सॉल्यूशन में नहीं बताऊंगा इसका, इसका सॉल्यूशन में बताया तो समझो कि खतरा है जिंदगी को। अरे यार एक बात बताओ, 12 चौक 48 बटे 12 चार 16, तो 16 तो यहाँ पर हो गया 3 ओम। अब यहाँ पर 3 ओम 12 एम्पियर का करंट एक तो 3 ओम में जाएगा और एक 6 ओम में जाएगा। अब देख लो कि 6 ओम में कितना जाएगा और 3 ओम में कितना जाएगा। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे तो 12 × 3 = 36 / 6 = 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट। आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इज राइट, 4 एम्पियर इज राइट। करंट डिवीजन रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया आपका 3 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया ना, 3 ओम हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट। और जब 3 ओम हो गया तो 3 और 6 पैरेलल में हो गए, 3 और 6 पैरेलल में हो गए तो करंट डिवीजन रूल लगा दो। मान लो कि इसमें करंट आई डैश जा रहा है, ये आई डैश है, आई डैश, तो आई डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 × पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 4 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 21 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21, इन इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप वॉट मीटर अ हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन। इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर टाइप वॉट मीटर में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। नॉन इंडक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, हाईली रेजिस्टिव कॉइल को कहां पर कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में फिक्स कॉइल के साथ, पैरेलल में मूविंग कॉइल के साथ, सीरीज में मूविंग कॉइल के साथ, या सीरीज में फिक्स कॉइल के साथ? बताइए, सीरीज में फिक्स कॉइल के साथ। बहुत ही आसान सा है भाई, बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है इसमें। अरे यार देखो, हाईली रेजिस्टिव इज रिक्वायर्ड, दिस इज द करंट कॉइल, दिस इज द पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। अब ध्यान से सुनिए, इस वॉट मीटर की ये पोटेंशियल कॉइल हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए। सो हाईली रेजिस्टिव होने के लिए आप इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने का, RS, तो किसके साथ लगाने का? सीरीज में पोटेंशियल कॉइल यानी मूविंग कॉइल के साथ। तो सीरीज विद मूविंग कॉइल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। पता था निशी कुमारी गलत, महेश सिंह रावत गलत, शांतनु मंडल गलत, बहुत सारे लोग गलत हो गए। ओहो, खतरा है जिंदगी को, खतरा, ध्यान से नहीं पढ़ा। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन, दिस इज मूविंग कॉइल ना, दिस इज मूविंग कॉइल, दिस इज फिक्स्ड कॉइल, तो ये फिक्स्ड कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना। सी आंसर इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 22, द पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस, ये फ्लू गेम्स लिख दिया है, दिस इज फ्लू गैसेस से एक्सट्रैक्ट करने का काम। इन द पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस बिफोर अप्लाइंग टू द बॉयलर इज द वर्क ऑफ इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर का काम होता है। कई बार पहले ही दिन पावर सिस्टम का पहले दिन का टॉपिक याद हो तो आपको, थर्मल पावर प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, द इक्वेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स एंड आरएमएस वैल्यू 70.7 एम्पियर इज गिवन बाय। तो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, 314 तो होना ही होना है, 50 आर और आपको 70.7 आपको आरएमएस वैल्यू दिया गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 100 sin 314 t। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज आई एम साइन ओमेगा टी। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखता हूं, मैक्सिमम वैल्यू इज आर एम एस मल्टीप्लाई बाई रूट 2 साइन 2 पाई एफ टी। तो आई आर एम एस आपको दिया है 70.7 इज नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाई रूट 2, इसको सॉल्व करोगे तो 70.7 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई रूट 2
मल्टीप्लाई बाई साइन 50 रखोगे यहां पर तो 314t मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, 100 साइन 314t, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। गलत, जो लोग ए बोल रहे हैं वो गलत हैं, 100 रूट टू बिल्कुल नहीं होगा। अरे कहां से ध्यान देने का, दिस इज द 70.7 ना, ये आपको दिया है, ये देखो 70.7, ये 100 बाई रूट टू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, केबल्स यूज फॉर अंडरग्राउंड सर्विसेज फ्रॉम 33 केवी टू 60 केवी आर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, हाई टेंशन केबल्स, सुपर टेंशन केबल्स, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। हाँ बोलिए इंदर सैनी, एक बात नहीं दो बात बोलिए। मैंने आपको जब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाया था तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको बताया था, मैंने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको बताया था, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या बताया था कि 33 केवी से जो 60 केवी की रेंज होती है उसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी एक स्लाइड भी लगाई थी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में, जो प्लस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। इलेक्ट्रिकल स्टडी वाई इज 70 क्या। अ ड्राई सेल केमिकल रिएक्शन नीडेड 90 जूल्स ऑफ वर्क टू प्रोड्यूस 15 कूलम्स ऑफ चार्ज सेपरेशन बिटवीन द बैटरी टर्मिनल्स, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। वेरी इजी क्वेश्चन, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। हाँ सही बोल रहे हो, V बराबर W बाई क्यू, यहां पर आपको लगाना है। W आपको दिया है 90 और आपको 15 कूलम का चार्ज दिया है, 15 छक्का 90, 6 वोल्ट इज द राइट आंसर, 6 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 21 एक और बार बता देंगे, क्या बताना है 21 में। इलेक्ट्रोडाइनोमीटर टाइप वॉट मीटर हाईली नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, भैया ये पढ़ो ये पढ़ो, हाईली नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसका मतलब उसमें इंडक्टेंस बिल्कुल नहीं है। इंडक्टेंस जिस कॉइल में बिल्कुल नहीं होता वो कॉइल होती है आपकी पोटेंशियल कॉइल। वॉट मीटर की पोटेंशियल कॉइल हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए। तो अगर हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है तो हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ तो कनेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ अगर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, क्योंकि लोड करंट इसी से बह रही है महाराज, लोड करंट इसी से फ्लो हो रही है, तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, तो वॉट मीटर एरर शो करेगा। तो हमें हाईली रेजिस्टेंस, अगर हमें जोड़ना है रेजिस्टेंस, इसको और रेजिस्टिव बनाना है, अगर हमें इस पोटेंशियल कॉइल को और रेजिस्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, किसके साथ, इसी पोटेंशियल कॉइल के साथ। तो पोटेंशियल कॉइल ही आपकी मूविंग कॉइल है, सीरीज विद द मूविंग कॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेनेवर इट मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लाइज एट 180 डिग्री टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। 22 नंबर, अच्छा सबकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। 22 नंबर क्या है भाई, द पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, भाई साहब नहीं कर सकता, पावर सिस्टम की पहली क्लास देखो जाके, पावर सिस्टम की पहली क्लास देखो जाके। सर कंट्रोल सिस्टम का प्रॉब्लम्स में क्या इम्पॉर्टेंट है, विष्णु मुखर्जी कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, गेट के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गेट के लिए पूछ रहे हैं तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के लिए पूछ रहे हैं तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन एवर इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कंडक्टर जब कट करता है तो ई एम एफ इंड्यूस्ड होता है, सो व्हेन एवर इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया उन्होंने, पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया उन्होंने, व्हेन एवर इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 27, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूल टैंक, डैम, पावर हाउसेज और पेन स्टॉक। तो इसको भी मैंने पढ़ाया था और इसको भी बताया आपको कि पेन स्टॉक को मैकेनिकल प्रेशर से बचाने के लिए आप यहां पर
सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं? तो आंसर वुड बी पेन स्टॉक. क्वेश्चन नंबर 28. सिलेक्शन द मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी. एक मिनट, आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी, ये आर्क है, दिस इज नॉट आर. तो आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम इन सर्किट ब्रेकर. अच्छा, तो सुनिएगा ध्यान से. अगर हमें आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी को, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल हैविंग द हाईएस्ट आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम इन सर्किट, अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम की बात कर रहा है, चलो बताओ. इंसुलेटिंग मीडियम पूछा जा रहा है कि आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो कौन सा मटेरियल होगा. एक शब्द में अगर हम रिपीट करें इस सवाल को एक लाइन में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम होगा जिसकी सबसे ज्यादा आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी होगी. हाई प्रेशर वैक्यूम, SF6, ऑयल, पोर्सिलेन. देखो भाई, ऑयल बिल्कुल नहीं है, ऑयल सबसे लो के लिए होता है. अब ऑयल को रिप्लेस कर दिया गया वैक्यूम से, तो ऑयल और पोर्सिलेन तो ये दोनों गलत हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है मीडियम इन अ सर्किट ब्रेकर हाईएस्ट आर्क इंटरप्टिंग कैपेसिटी. तो हाईएस्ट तो हाई वैक्यूम का होता है, हाईएस्ट तो हाई वैक्यूम का होता है, हाई प्रेशर वैक्यूम 50 kg/cm², आपको करवाया था मैंने स्विच गन प्रोडक्शन में. एसी के केस में 50 kg/cm² और डीसी के केस में 5 kg/cm². लेकिन यहां पर उन्होंने आंसर SF6 दिया है. और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि यही सही जवाब होगा. अगर हम आज के हिसाब से देखें, एज पर टूडे टेक्नोलॉजी, तो एज पर टूडे SF6 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सर्किट ब्रेकर है. SF6 का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 2.5 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर. तो SF6 इसका सही जवाब होगा. लेकिन यहां पर इंसुलेटिंग मीडियम के बारे में पूछा है, दैट इज वाई SF6 इज राइट. ओके, SF6 सबसे सही जवाब होगा. लेकिन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में EHV लाइन में हम हाई प्रेशर वैक्यूम का ही इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को. तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपकी मर्जी है आप क्या सही करते हैं. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड अकर्स व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज डैश द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है. तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी होता है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए. तो आंसर वुड बी इक्वल टू. ओके, आंसर वुड बी इक्वल टू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. इन अ ट्रांसफॉर्मर लॉसेज आर रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर एंड योक. तो मैग्नेटिक कोर की अगर आपने थिकनेस कम कर दी, लेमिनेशन की थिकनेस कम कर दी, एक ही प्रकार का आपका लॉस कम होगा और उसका नाम है एडी करंट. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा एडी करंट, बी वुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. इन अ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट ड्रेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन VGS इज. ड्रेन करंट मैक्सिमम कब होता है जब VGS क्या होता है बताओ? 3.5 होगा क्या? अच्छा 3.5 होगा, चलो मैं 2.5 बोल गया शायद, बताइए. कंट्रोल सिस्टम पढ़ा दूं? ठीक है, ओके, कंट्रोल सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा. जल्दी ही आपका एक और घंटे YouTube में इंक्लूड होने वाला है टेक्निकल के लिए, और कुछ आपके लिए नया ही हो रहा है. बताओ क्या सही जवाब है इसका. जिन लोगों ने मेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास अभी अभी अटेंड की है बहुत अच्छे से जानते होंगे. ड्रेन करंट इज मैक्सिमम इट, दिस इज IDSS और दिस हैपेंस इज VGS इज इक्वल्स टू 0 volt. सो 0 इज द राइट आंसर. VGS एट 0 पर आपको मैक्सिमम ड्रेन करंट देखने को मिलती है. ओके, बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32. व्हेन अ 3-phase सिस्टम इज बैलेंस्ड द न्यूट्रल वायर कैरीज. बैलेंस होता है तो न्यूट्रल वायर कोई भी करंट कैरी नहीं करता. सो न्यूट्रल वायर कैरीज नो करंट. व्हेन अ 3-phase सिस्टम इज बैलेंस्ड देन न्यूट्रल वायर कैरीज नो करंट. कंट्रोल सिस्टम का लाइव टेस्ट करा दो. कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया तो है नहीं और लाइव टेस्ट पहले करा दूं मैं.
स्टैंडर्ड वायर गेज यूज्ड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी थिनर देन, ये भी आपको अनअकैडमी प्लस पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में एक स्लाइड लगाई गई थी बकायदा, बताओ। और बाकी लोग जो प्लस पे नहीं है मेरे साथ, इन्हीं सब सवालों के खातिर बोलता हूँ जुड़ जाइए। वैसे मैंने इसको YouTube पे भी कराया है, YouTube पे मुझे याद नहीं कि ये पर्टिकुलर स्लाइड लगाई थी कि नहीं, क्योंकि रेलवे के टाइम पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग काफ़ी जल्दी जल्दी में हुआ था, बहुत कम समय था और बहुत जल्दी जल्दी में कराया था। देखो जितने प्लस वाले हैं ये सी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्होंने बोला है शुड नॉट बी थिनर, शुड नॉट बी थिनर। तो शुड नॉट बी थिनर का मतलब हो जाएगा 8SWG, शुड नॉट बी थिनर ना, 8 16 तो होता है पावर सर्किट के लिए, 16 तो होता है पावर सर्किट के लिए, इतना तो रखते ही रखते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला शुड नॉट बी थिनर ना, तो इसका आंसर 8 होगा, डी। अंकिता गड़े इज राइट, अंकिता इज राइट, प्रत्युष गलत 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 गलत, आंसर डी है। अरे बार कहाँ 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 भाई कहाँ, चलो बस समझ गया मैं, कुछ याद वाद नहीं है आपको। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा। देखो भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात की जा रही है, स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है वो आपके कम है प्राइमरी से, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज, बताओ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं इधर और नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं इधर, तो ये आपके N2 हो गया, ये आपका N1 हो गया, सॉरी सही बोला क्या मैंने, हाँ सही बोला, N2 इज लेस देन ऑफ N1, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज। अरे के फिर कमी होगा ना, N2 बाई N1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही होता है, तो के तो लेस देन 1 होगा, डी आंसर इज राइट, के तो लेस देन 1 होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला है ना। अंकिता पहले एक बार बोलती है डी फिर बोलती है ग्रेटर देन 1, दैट लेस देन 1 इज राइट, लेस देन 1 इज राइट, वेरी गुड। टर्न्स रेशियो नहीं पूछा है, टर्न्स रेशियो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज सेकेंडरी बाई प्राइमरी, N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 में कम है N1 में ज़्यादा है तो लेस देन 1, टर्न्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 बाई N1 होता है। टर्न्स रेशियो अगर पूछा जाता यहीं पर, अगर टर्न्स रेशियो पूछ देता यहाँ पर, देखो आप N1 रेशियो N2 है ना, अगर आपसे टर्न्स रेशियो पूछ दिया होता तो टर्न्स रेशियो आपका N1 डिवाइडेड बाई N2 होता, विच इज ग्रेटर देन 1, ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 डिवाइडेड बाई N1 होता है, दैट इज वाई इट इज लेस देन 1, आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आउट ऑफ 75 आई वॉन्ट टू नो एवरी वन, सभी के मार्क्स जानना चाहता हूं मैं, डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बोथ एसी एंड डीसी पावर, डीसी वोल्टेज ओनली डीसी पावर ओनली एसी पावर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। डिनोमिनेटर कहां से लेस हो गया अंकिता, डिनोमिनेटर लेस कहां से हो गया, N1 ज्यादा है, N1 ज्यादा है, स्टेप डाउन बोला है तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है सेकेंडरी में कम है, N1 ज्यादा हुआ ना तो इसकी वैल्यू तो कम होगी ना, उल्टा बोल रही है लड़की, इसका आंसर हो जाएगा ए, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा बोथ एसी एंड डीसी पावर, बोथ एसी एंड डीसी पावर वुड बी द राइट आंसर। वाइजेग स्टील प्लांट का प्रिपरेशन करना है, मिस्टर सुमित झा यू कैन ज्वाइन द बैच ऑफ UPPSC एंड ऑल्सो SSC, दोनों बैच ज्वाइन कर लीजिए, YouTube की क्लास अटेंड कीजिए, चार सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल में चल रहे हैं, चार सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल में चल रहे हैं। सो दिस इज फाइनल आंसर, बोथ AC दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर का इस्तेमाल दोनों पावर मेजर करने के लिए करते हैं, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, ये एवरेज पावर मेजर करता है, ये एवरेज पावर मेजर करता है।
चलिए आप सभी लोग अपने अपने मार्क्स मुझे जरूर बताइएगा और मैं यहाँ पर आपको दो मिनट अभी एक मिनट देता हूँ, फटाफट से बताओ कि कितने मार्क्स आए आपके। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभिजीत डे, यू कैन ज्वाइन द यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, क्या बताऊं मैं उसमें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर विकास शर्मा, वेरी गुड मिस्टर विकास शर्मा, वन ऑफ द स्टूडेंट विकास शर्मा एक स्टूडेंट हैं जिनके 75 में से 68 आए। अब ये जेन्युइन बता रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, दीज आर क्वाइट गुड। अगर आप नेगेटिव मार्किंग माइनस करने के बाद, नेगेटिव मार्क्स घटाने के बाद बता रहे हो तो दिस इज क्वाइट गुड, अच्छे। शांतनु मंडल इज ऑल्सो गुड। ऋतुराज पात्रा, भाई साहब नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। विकास शर्मा के अब 67 हो गए, देखो यही होता है, अभी मैं क्या भरो 67। श्वेता है 31 + 32, दैट इज 63। संदीप मल्होत्रा 69, वेरी गुड। आंचल 65, वेरी गुड। लक्ष्मीकांत पाल 65, वेरी गुड। अरे नेगेटिव माइनस करके बताने का, नेगेटिव ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं किया क्या? इलेक्ट्रिकल स्टडी 72, विपिन कुमार कह रहे हैं 75 में से 75, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर जरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसलिए स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज होगा ना। हाँ तो स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए तो लगाएंगे, स्टार्टिंग टॉर्क ही तो बढ़ाना है। कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज टू स्टार्टिंग द मोटर, दैट इज टू इंप्रूव, ये इंप्रूव करने के लिए लगाई जाती है, स्टार्टिंग करने के लिए तो लगाते ही हैं, बट कैपेसिटर का इस्तेमाल स्प्लिट फेज मोटर में नहीं किया जाता, स्प्लिट फेज मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम स्प्लिट फेज में कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या करता है वो, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करता है, इज नॉट ओनली फॉर स्टार्टिंग द मोटर। स्टार्ट तो हम वैसे भी कर सकते थे बिना कैपेसिटर के, स्प्लिट फेज में लगाया जाता है क्या कैपेसिटर? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर नहीं लगाया जाता। अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करना होता है तब हम कैपेसिटर इंक्लूड करते हैं, जिससे वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहलाती है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, नेगेटिव करके 69 है, वेरी गुड। चलो हाँ, अब यूट्यूब पर दो क्लासेस होंगी ऐसा पॉसिबिलिटी है, चलिए वेरी गुड है, आप सभी लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। सभी लोगों से मैं फटाफट से दो मिनट के अंदर मैं बता दूं कि अगर आप सभी लोगों ने अभी भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप देर नहीं किए सर, अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हो तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस बैच को ज्वाइन कर लो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ और बहुत ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इस बैच को ज्वाइन नहीं करते ना तो ये सब्जेक्ट भी देखते देखते हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे। जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज वेरी मस्ट, जो मस्ट क्या बोलते हैं, मोस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके जी हाँ, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं डीएमआरसी में, जी हाँ, रनिंग हो तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का शेड्यूल है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपकी क्लास जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 7 फरवरी तक, अब आपकी अगली क्लास होगी वो होगी 8 फरवरी को, क्योंकि इसकी क्लास को रिशेड्यूल कर दिया था मैंने तो 8 को क्लास होगी, और 10 फरवरी को यहाँ पर 10, 11, 12, उसके बाद ये 2 मार्च को ये भी ख़त्म हो जाएगा, 2 मार्च को ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप अगर नहीं ज्वाइन किए ना तो बहुत खतरा है जीवन में, अपने जीवन में खतरे को बचाना चाहते हो तो मेजरमेंट का ये भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, ये एसएससी का है, ध्यान देना ये एसएससी का है और वो यूपीपीएससी का था। ये बैच आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ये बैच आपका ख़त्म हो रहा है 18 फरवरी को, इसकी भी कुछ क्लासेस ही बची हैं सिर्फ, देख सकते हो आप 7 फरवरी की क्लास हो चुकी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास जो है वो इसकी रिमेनिंग है,
और बेनिफिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपकी टेस्ट सीरीज जल्दी ही आने वाली है, एसएससी की टेस्ट सीरीज आपको जल्दी ही मिलने वाली है। ये सब कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन एसएससी का भी ले लेते हैं और यूपीपीएससी का भी ले लेते हैं। एसएससी की टेस्ट सीरीज आने वाली है, यूपीपीएससी के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैं कल भी बोला था आपको कि इसके तुरंत बाद जो है वो मैं कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दूंगा, तुरंत कंट्रोल सिस्टम शुरू हो जाएगा आपका बिना किसी देरी के। कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने में समय नहीं लगेगा। तो यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन भी ले लो और एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी ले लो, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और मेजरमेंट सब्जेक्ट के बाद सबसे अच्छी बात, मेजरमेंट सब्जेक्ट के बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू हो रहा है। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पर, डीएमआरसी का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक, तो मेजरमेंट के तुरंत बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाएगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही आपको कुछ आपको अच्छे सेशंस जो हैं स्पेशल सेशंस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर, रेगुलरली स्पेशल सेशंस देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि ये सब्जेक्ट स्पेशल सेशन जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, YouTube पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल सेशन चालू होने वाला है, पॉसिबिलिटी है जल्दी ही। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तुरंत बाद माइक्रो प्रोसेसर शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पर। जो लोग CIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग RINL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 गेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र महाजेनको में वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो अप टू वेरियस एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में आप सोचो कि चार चार पाँच पाँच सब्जेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल सेशन में YouTube में रात को 9 बजे से 10 बजे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा ही चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्लस में मैंने आपको बता दिया कि प्लस में एसएससी के लिए आपको क्या मिल रहा है, मेजरमेंट मिल रहा है, और यूपीपीएससी के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। हर तरफ सब्जेक्ट की बौछार ही बौछार है, सिर्फ आपके पढ़ने की देरी है। अगर आप 4 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आप घर पे 6 घंटे उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे, 10 घंटे की पढ़ाई सफिशियंट होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो JEN हो चाहे वो AEN हो। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, हाँ मिस्टर दीपा हरदे, प्लस टेस्ट सीरीज के लिए प्लस कोर्स लेना प्लस कोर्स लेना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए नीरज सर अपने घर पे ही होंगे। अनअकैडमी स्पेशल सेशन कुछ कह नहीं सकते प्रत्युष भट्टाचार्य सर, जो भी लेना है 5 बजे से बाद ले लो क्योंकि हमारा कॉलेज होता है। अंकिता गड़े, कॉलेज होता है तो कॉलेज के बाद आप लाइव ले सकते हो ना। ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, यार क्या कर रहे हो, शेयर लाइक और शेयर करके तो जाओ कम से कम। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की क्लास में। अब तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा दम लगा के। और हाँ, कल के गेट वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से उन सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो फॉर गेट कैंडिडेट्स बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ओके, और फोड़ के आ जाना है आपको गेट में भी, ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया हो। हाँ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं कुछ सब्जेक्ट, लेकिन जो रिमेनिंग पढ़ाए गए हैं उसमें ही फोड़ के आ जाओ, जो रिमेनिंग पढ़ाए गए हैं उसमें ही फोड़ के आ जाइए। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।